नई चीज आती है उसको सॉल्व करते हैं. अप टू 2007 जस्ट मेमोराइज 2007 में देखा दो स्लिप्स अगर इन लाहौर फर्स्ट वाज स्टैब्लिश इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट इन 2010 सो आई जॉइन पैथोलॉजी एग्री माय पार्टनर एग्जाम इन 2011 एंड देयर वाज नथिंग इन पैथोलॉजी एग्जाम हमारे खाली पैथोलॉजी. अगर आप बाहर के मेडिकल बोर्ड्स पढ़े तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है दैट स्टार्ट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड ऑफ डिप्लोमेटिक मेडिसिन इन पल्मोनरी मेडिसिन इन स्लीप मेडिसिन एंड क्रिटिकल. सो मैंने सर से रिक्वेस्ट की मैं कुछ करते हैं हम स्लीप के लिहाज से तो सर साहब कहते थे यार स्लीप सेंटर बना लो फिर इतना ही शुरू चला देना फिर चला सकते. तो सही डॉक्टर साहब के अंदर शुरू भी वी इंस्टॉल अवर फर्स्ट स्लीप सेंटर इन जनाब इंडोनेशिया. Really thankful to Dr. Amir Fir Salo ne bahut support kiya. That was the first center established in 2013 September. Then I started the sleep center in my private setup in 2014 and now I have more than 5 years experience in my in sleep medicine and I have done more than 300 sleep studies along with my team in my private setup. And alhamdulillah in January 2018 we have started sleep research lab same equipment in PGMI. और व्यास साहब ने मुझे उसका ट्रैकर बना दिया और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर कैरिकुलम डिफाइन करें शायद इसमें डिप्लोमा मोस्ट लाइकली आगे जाके इसमें स्पेशलाइजेशन स्टार्ट. सो स्लीप इज एन इग्नोर्ड कंडीशन बाय द वे व्हाट डू यू थिंक हाउ मच इयर्स और टाइम वी स्लीप अप टिल एज तो नहीं लगा आपको मुझे पूछना चाहता चले लेट्स सपोज एवरेज एज इज 40 कितना टाइम हम सो चुके एक तिहाई कंपोनेंट अल्लाह ने हमारा बनाया है सोने के लिए ये वो टाइम है जो आइडियल है 6 to 8 hours में. तो ऐसा क्या है कि हमें स्लीप इतनी रिक्वायर्ड है. स्लीप जो है इट्स एन इंटरमीडिएट जोन बिटवीन वेकफुलनेस एंड डेथ एंड रिमेंबर ये सिर्फ स्टैटिक कंडीशन नहीं है इट्स अ डायनेमिक स्टेट. योर बॉडी स्लीप्स बट योर ब्रेन इज वेरी एक्टिव. स्लीप का मुझे बेनिफिट क्या है इट इम्प्रूव्स आवर मेमोरी इट रिड्यूस स्ट्रेस रिड्यूस डिप्रेशन इम्प्रूव योर फिजिकल परफॉर्मेंस. आगला अगर कंपोनेंट पढ़े देखिए इट इम्प्रूव योर इम्यूनिटी इट हेल्प्स योर बॉडी जो हम सबको रियली चाहिए. हमारी मेमोरी भी लॉस होना शुरू होती है स्ट्रेस हम सबको इतना अगर स्ट्रेस ना हो फिर भी स्ट्रेस है. फिजिकल हमारी एक्टिविटी वैसे ही लिमिटेड है कुछ हमारी जंप शूट है कुछ हमारे ग्राउंड ना होने की एक्टिविटीज में हमारी आप लोगों की जनरेशन ने तो शायद फिर भी कर ली लेटेस्ट जनरेशन ने इतना भी नहीं किया जो आगे बढ़ते हैं. तो हमें स्लीप चाहिए उस स्लीप की साउंड स्लीप कितना टाइम सोना है. लेट्स लुक एट दिस सबसे ज्यादा स्लीप किसकी होती है बच्चे की. कहते हैं नींद तो बचपन में आती थी अब तो थक के सो जाते हैं. अब वैसे थक के भी नींद नहीं आती है हालात है. सो बच्चा 12 से 18 घंटे सोता है और जो बड़े हो जाते हैं हमें 7 to 9 hours स्लीप रिक्वायर्ड. Look at this, 7 to 9 hours. This is continuous sleep. इसका मतलब ये नहीं है कि रात को आपने 5 घंटे सो लिया दोपहर को 2 घंटे सो लिया तो दिस मीन 7 hours ऐसे नहीं है. ऐसे क्वेश्चन से है या बच्चों में इतना टाइम का तो कम वो हमारी अपनी हैबिट है. बच्चा बाय बर्थ इसकी इंटेंशन उसको दिन में सो जाता वो इतना 16 घंटे साल का. हां ये रिकमेंड ये इनका मुताबिक ये अभी तक यही है यानी इनकी रिकमेंडेड टाइम जो है वो बच्चे का इतना ही होता है. ये 2 महीने हैं 12 से 18 घंटे फिर 12 से 16 घंटे फिर 11 से 14 यही रिकमेंडेड है. इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया क्योंकि ये लेटेस्ट है पहले 1-1 या 2-2 घंटे कम था. जी बिल्कुल सर ये 16 साल इन्होंने काम किया पहले 2 घंटे ज्यादा था लेकिन ये एवरेज इन्होंने निकाला है जो यही है. अच्छा अब ये स्लीप मेडिसिन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक ये पूरी स्पेशलाइजेशन है. आई विल बी फोकस्ड ऑन स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग इश्यूज. अगर आप स्लीप की क्लासिफिकेशन पढ़ें तो उसमें इंसोमिया भी है पैरासोमिया भी है उसमें हाइपोवेंटिलेशन का भी एक कंपोनेंट है लेकिन मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा दैट इज स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर यानी वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो सिर्फ स्लीप में. तो इनको हम कैसे क्लासिफाई करें
स्टार्ट फ्रॉम नो ऑब्स्ट्रक्शन. कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्रॉब्लम तो है बट उनमें फिजिकली कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, शायद फिजिकल एक्टिविटी उनको इम्प्रूव कर दे. कुछ लोगों में स्नोरिंग होती है एंड दैट इज द फर्स्ट साइन और सिम्टम जो ब्लैक होना शुरू होता है. इट मे बी स्ट्रक्चर कि कुछ लोगों का बॉडी इस किस्म की है तो वो स्नोर ज़्यादा करते हैं, बट इट मे बी सेकेंडरी टू अवर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल. अगर हम यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं करते तो फिर ये अपर एयरवे को रेजिस्टेंस देती है, उसके बाद आप गहरी नींद में नहीं जा पाते और टेक टाइम कम यू बिकम लेट एंड स्लीपीनेस. और अगर आप बहुत मॉर्बिड वेस्ट हो जाती हैं यानी वेट आपका पी एम एफ 40 से ज़्यादा हो जाता है तो एक सिंड्रोम होता है जिसको पहले कहते थे डिप्रेशन, आप उसको लेबल करते हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन. हाइपोवेंटिलेशन वेंटिलेशन का मतलब क्या है थोड़ा सा आइए. ऑक्सीजन इन दैट एयर एंड 79% इज नाइट्रोजन. सो the amount of oxygen present in that particular air that is expected by the hemoglobin. Actually, carbon dioxide and is the stimulus. At that time, there is exchange of gases. चलिए ठीक, हम ज़्यादा fight नहीं करते, दोनों मान लेते हैं. But main purpose है ना ventilation. Ventilation हम कब disturb करते हैं जब हमारी cavities में carbon dioxide disturb. This is what ventilation is. So अगर कोई obese patient आपके पास आ जाता है, आप उसकी और morbid obesity है, कोई भी ज़्यादा BMI है, just go for cavities. अगर एवीजीज में CO2 ज्यादा है तो वो ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन एक ही टेस्ट है, बाकी टेस्ट बाद में. ठीक, और वो सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन है स्लीप रिलेटेड रिलेटिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम. इसमें कोई इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि शायद हमारे पास रिलेटिव भी नहीं हो, ये बाहर यूएसए में भी ये नहीं हुआ. 2000 के बाद ही वहाँ पर स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हुई है स्लीप रिलेटेड का. ये 1966 में फर्स्ट स्लीप एपनिया डॉक्यूमेंट हुआ, 1980 में इसको डायग्नोज किया. बट रिमेंबर द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर that often required lifelong care. Because patient ने आपसे पूछते हैं, ये मशीन तो आपके सामने पड़ी है, थोड़ा सा मैं इसको बताऊंगा आपको कि डॉक्टर साहब ये मशीन कब तक काम करेगी. So it's very clear, it's a lifelong chronic disorder. Okay? इसको सिंपल तीन फॉर्म में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्टिव जी आपने एक होता है वेस्टी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. दोनों ओबीस हैं लेकिन जिसका बीएमआई 40 से ज्यादा होता है उसको हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें हाइपोवेंटिलेशन वेंटिलेटरी डिसऑर्डर भी है. तो हमारे पास कोई और टेस्ट कराने की जरूरत नहीं. अगर वेकफुलनेस पेशेंट आपके पास आ गया है, आपने एवीजीज करवाई है, उसकी एवीजीज में उसकी PCO2 45 से ऊपर है, इसका मतलब है उसकी हाइपोवेंटिलेशन, उसकी वेंटिलेशन भी इंपेयर. इसको कहते हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम. ब्रैकेट में ओल्ड नेम है इसका पिट्यूटरी सिंड्रोम. सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्टिव एंड मिक्स्ड, इसकी खुद ही डेफिनेशन बना. सेंट्रल से हम क्या समझ पाएंगे? ब्रेन से, दैट इज फ्रॉम द ब्रेन. ब्रेन से ही कॉम्प्लिकेशन का वेंटिलेशन स्टार्ट हो रही है, उसकी नर्व का मसला है, उसको स्ट्रोक हो गया है, हाई अल्टीट्यूड है, किसी ब्लॉक के अंदर है. ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या? दैट इज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैसेज, फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी अपर एयरवे. उसमें एडिनोइड्स है, उसमें परमानेंट हाइपरट्रॉफी है, सीओपीडी. सीओपीडी नहीं, सीओपीडी इट इज एडिनोइड्स एंड मोस्ट कॉमनेस्ट डिसऑर्डर अमंग दिस स्लीप एपनियास.
रिमेंबर एपनिया मीन सेसेशन ऑफ एयरफ्लो, टोटल सेसेशन ऑफ एयरफ्लो. इफ इट इज फ्रॉम सेंट्रल दिस इज कॉल्ड सेंट्रल स्लीप एपनिया, इफ इट इज सेकेंडरी टू ऑब्स्ट्रक्टिव दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एंड इफ स्टार्ट एज एज सेंट्रल एंड एंड एज ऑब्स्ट्रक्शन दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड स्लीप एपनिया. बोथ 90% यही लीड करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव. ठीक है, वेरी गुड जी, वेरी गुड. सेसेशन ऑफ एयरफ्लो एट नोज एंड माउथ विद नो रेस्पिरेटरी एफर्ट. क्लियर, नो रेस्पिरेटरी एफर्ट मीन सेंट्रल एटियोलॉजी हो तो उसको सेंट्रल स्लीप एपनिया कहते हैं. इट्स वेरी रेयर, ये हाई ऑल्टीट्यूड पे भी हो सकता है, ये मेडिकेशन से भी हो सकता है, सीसीएफ में वेरी कॉमन है, और यूजली ये ओवरऑल अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 1-2% ऑफ स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर स्लीप एपनिया. क्लियर, लेस देन 1%. Predominantly central sleep apnea is very uncommon. Chain stroke breathing क्या होता है? Chain stroke breathing. Anybody can remember? Yes, chain stroke breathing क्या होता है? पहले आस्ता आस्ता जो बिल्डअप होती है, फिर slow slow. Patient सांस लेता है, speed से जाता है, apnea आ जाता है, pass आता है, pass के बाद. This is very common in sleep apnea. जैसे बात करें, ठीक है? और हम इसको कुछ नहीं करते. But you can. जरा repeat करें पहले उसे. उसकी respiratory rate तेज होगा. और फिर वो ग्रेजुअली रिड्यूस होगा, और यही पैटर्न उसका थ्रू आउट होगा. इन स्ट्रोक 10% पेशेंट हैव सेंट्रल स्लीप एपनिया, एंड दिस ट्रीटमेंट इज यूजुअली डिफिकल्ट बिकॉज़ मोस्टली जो जो एटियोलॉजी है वो रिवर्स नहीं कर, प्राइमरी एटियोलॉजी होती है. यस वी हैव समथिंग जो हम उसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो हम बात करते हैं. ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंस सेसेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन एयर फ्लो एट नोज माउथ इन प्रेजेंस ऑफ ब्रीदिंग एफर्ट. ठीक है, मतलब क्या है, ये सांस यहां से बंद है लेकिन एफर्ट वो कर रहा है. एफर्ट कैसे मैं जज करूं? फिजिकल एग्जामिनेशन पे आप लोग सोचेंगे कि वो सांस ले रहा है और रेस्ट कर रहा है. अगर आप आपका सांस नॉर्मल जब आप लेते हैं तो एब्डोमिन एंड थोरैसिक की एक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट है ना, ऐसे ही है ना. ऊपर से हमने ट्यूब बंद कर दी, आप वो मूवमेंट सिंक्रोनाइज तो नहीं रहेगी, एसिंक्रोनाइज हो जाएगी, और यही पैटर्न हम उसमें देखना शुरू करें, यही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. ठीक है, इससे होता क्या है, इसकी वजह से रिपीटेडली जब उसको एपनिया आएगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल डिसैचुरेशन हो जाएगी, उसका सिंपैथेटिक सिस्टम उसको एक्टिवेट करेगा. इनिशियली तो उसको रोज करने की कोशिश करेगा. पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट के टैलेंट बताते हैं डॉक्टर, ये कराटा लेते लेते ऐसे करते हैं और ये बार बार ऐसे. शुरू शुरू में क्या होता है, उसकी बॉडी तीन किस्म के वो मैकेनिज्म कर सकते हैं, या तो वो हड़बड़ा के उठ जाएगी, या वो करवट लेगी, या वो टांग. ये इनिशियली स्टेजेस पे पेशेंट करता है, इल द टाइम कम जब ये मैकेनिज्म ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए. वो कहते हैं बुजुर्ग बड़ा देखता सोते सोते, ठीक, एंड दिस इज वेरी कॉमन. जब आप रात को मल्टीपल टाइम, और ये काम कॉमन होता है, ये सारा मैकेनिज्म किसी ने मुझे बताने की कोशिश की थी कि टांग बैक पे फॉल कर होता क्या है, हमारी नींद की चार स्टेज. पहली तीन स्टेज को हम ब्रॉड से डिफाइन करते हैं रैम स्लीप, दूसरी होती है नॉन रैम स्लीप. रैम स्लीप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लीप, यही नींद की निशानी है. बच्चा जब अपनी आंखों को इस तरह हिला रहा होगा, रैम स्लीप में मेरी ट्रबल शूटिंग हो रही है. वो कहते हैं ना, वो सो रहा था, सोते उसको ख्वाब आया है, और उस ख्वाब के बाद उसने अपना काम कम्प्लीट कर दिया. दिस इज द रियलिटी, आई नीड रैम स्लीप. If I am sleeping, but there is no REM, patient is sleep completely. You will be surprised कि जब हम optimal sleep study करते हैं, हमें सिर्फ 5-15 मिनट की REM चाहिए 3 घंटे. That is our criteria. और इस तरह के patient REM sleep में क्यों नहीं जाते? REM sleep का मतलब है near fallage. आपकी जो body है, वो आपके muscles बिल्कुल ही relax कर दें. Let's suppose आपकी neck जो है, वो thick है. उसका साइज कम है. जब पेशेंट रैम स्लीप में जाएगा तो फ्रेंजियल मसल क्या करेंगे, दे विल टेंड टू कोलैप्स, और आपकी टंग बैक पे फॉल करेगी, कोलैप्स. और इस सब चीजों की वजह से पेशेंट क्या गहरी नींद में जा पाएंगे, नॉट. सो पेशेंट जो है वो रात सारी रात इसी एपिसोड से गुजरेगा, वो उठेगा, फिर यू करेगा, फिर ट्राई करेगा, फिर उठेगा, फिर मॉर्निंग पे उठ तो वो जाएगा, वो कहेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है. कभी आप देखें आपकी नींद पूरी ना हो तो आपको सर में दर्द फटीक शुरू हो. आप उसकी बॉडी क्या करेगी, जो ही वो बैठेगा तो फिजिकल एक्टिविटी करे, लाइक वो वकील है, काफी पॉपुलर है, काफी जज को भी है, एक जज है, वो कहता है बेचारा
रिटायरमेंट से पहले हमारे पास सीएचडी करवाने आया, वो कहता मैं तो फैसला सुनते सुनते सो जाता था, देने की तो बहुत की बात है, जब वो फैसला हेरी हो रही होती थी वो मुकदमा भी नहीं सुन पाता, लेकिन फैसले उसने सारे दिए थे रिटायरमेंट से दो दिन दो साल पहले हमारे पास। अच्छा, सो वो पेशेंट फिर क्या करता है जब वो नाइट पे, तो क्योंकि वो स्पाइन पोजिशन में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर इस पेशेंट को बैठा दिया जाए तो पेशेंट रिलेटिवली बेहतर हो जाए क्या? क्या टंग बैक पे फॉल करना, ग्रेविटी का जो मैकेनिज्म है वो रिलेटिवली हमें पे करता है, तो ये पेशेंट जो ही बैठा होगा तो ये बैठे बैठे उसको नींद के झटका देगा, गाड़ी ड्राइव करेगा उसको ये झटका लेगा, इसको कहते हैं डोज ऑफ। क्या डोज ऑफ? डोज ऑफ क्या? आपको नींद की झटकी बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने पेशेंट से कुछ पूछना है, ठीक है, वो यू क्यों करेगा बैठे हुए? बिकॉज बैठे हुए उसकी टंग बैक पे फॉल नहीं करती, टंग ऐसे नहीं है, तो उसको हल्की सी विनोदगी आएगी और उसकी बॉडी कहेगी अब सो जाए, हम रिलैक्स होंगे, ठीक है, इसको कहते हैं डोज। Estimated prevalence है 1-5% of our population in USA. अगर हम apnea hypopnea, ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, more than 5 किसी patient में देखें तो 70% middle age person में OSA है, more in men, less in women. अगर 5 हो और 7 extra sleepiness हो, उसको आप hypersomnia कहते हैं, तो 4% men and 2% women are suffering from sleep apnea. ये स्टडी है ओएसए 9.3% पॉपुलेशन में है, ये स्टडी इंडिया की है। इफ यू आस्क मी व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ स्लीप एपनिया इन पाकिस्तान, आई विल से इट्स लेस कॉमन एज एस्टिमेट, यू कैन वेल इमेजिन इन 3 इयर्स विद अ कॉस्ट ऑफ 21,000 टू 25,000 इन माय प्राइवेट सेट, आई हैव डन मोर देन 300 स्लीप स्टडीज, और अभी मैंने रोकी होती क्योंकि मैंने इसको मॉनिटर कर रहा होता है, तो ट्वाइस अ वीक से ज्यादा कवर नहीं जाता, सो कितना पेशेंट है और तो जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी वजह से स्लीप एपनिया में भी आती है, उनको भी हम देखते हैं। दीज आर द फोर स्टेजेस ऑफ स्लीप। स्टेज 1 है पेशेंट ट्रांजिशन फेज ऑफ स्लीप पे होता है, ड्रोजी होता है, एंड यू कैन अवेक पेशेंट फ्रॉम दिस स्टेज 1 स्लीप, नॉट डिफिकल्ट। स्टेज 2 स्लीप में कुछ केमिकल प्रोडक्ट जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, इट ब्लॉक्स द सेंसेस एंड यू दिस डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रेक अप। स्टेज 3 में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। स्टेज 4 रैम स्लीप, इट रिवाइटलाइज योर मेमोरी, जो कुछ आपने सीखा है अगर आप घर जाके ना भी पढ़े बट आप साउंड स्लीप ले लें तो ये सारा जो लेक्चर है ये आपकी बॉडी रिवाइज जरूर करें, इसको मेमोराइज की कोशिश करें, बट उसके लिए इसको रैम स्लीप चाहिए। ये 90 मिनट्स के बाद ये पहला साइकिल आएगा रैम स्लीप तक पहुंचना, ठीक है, और जो जो टाइम गुजरेगा, इस्लाम में तहज्जुद की नमाज का कितना फायदा है, तहज्जुद के वक्त रैम पीक, ये रैम का टाइम बढ़ना शुरू होगा, पहली रैम शायद 10 मिनट की, अगली रैम 15 मिनट, उससे अगली 30 मिनट, जो जो तहज्जुद का टाइम है, प्रोवाइडेड आप सोए रात 9-10 बजे के लिए, ये नहीं कि आप 1 बजे सोए फिर तहज्जुद का टाइम आप नोट करें, तो जो तहज्जुद का आइडियल टाइम है प्रॉपर स्लीप के साथ, उस वक्त आपकी गहरी नींद होती, इसी वजह से उस वक्त उसको उठना मुश्किल है। फिर हम कहते हैं बुजुर्ग बड़े अच्छे हैं, ये तहज्जुद के वक्त उठ जाते हैं, तो बुजुर्गों में रैम स्लीप कम हो जाती है, ठीक है, तो वो जल्दी उठ जाती है, ये जवानों में ज्यादा कम। अच्छा जी, ये देखिए क्या होता क्या है, पेशेंट इन स्पाइन पोजीशन, नॉर्मली उसमें इतना लेवल ऑफ ओरोफेरिंग्स जो है, इतना पैसेज ओपन रहता है, जस्ट दिस सॉर्ट ऑफ पैसेज, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है वेंटिलेशन की, लेकिन जब मैं गहरी स्लीप में जाऊंगा, डीप स्लीप में, तो टंग विल फॉल बैक और ये पैसेज जो है, ये आपके मसल भी क्लैप करेंगे, ये नियरली ना होने का, इसको कहते हैं एपनिया, ठीक है, और इतना पेटेंसी लेवल में इन पेशेंट हु हैव शॉर्ट नेक या जिनके टंग का साइज ज्यादा होता है, वो डिस्टेंस को कम कर देती है, जब डिस्टेंस इनिशियली कम होता है, ये अपर एयरवे रेजिस्टेंस होती है, इससे स्लोइंग स्टार्ट होती है, ये फर्स्ट एक सिम्टम आना शुरू है, बट अगर पेशेंट बहुत ओबीज है तो टंग बैक फॉल कर गई, देयर इज नो पैसेज ऑफ एयर,
दिस इज कॉल्ड एपनिया. अनिश की बॉडी आपको अवेक करती है, आप उठ के बैठ जाते हैं और ये सारा मैकेनिज्म होता है. नॉर्मली एक्सक्यूज मी सर, ये जो है विदाउट पिलो है या विद पिलो? वो पेशेंट है जिनमें कोई फॉल्ट है. क्या फॉल्ट है? या तो उसकी टंग का साइज बड़ा है, ये टंग जिस जगह पे आनी है, माइक्रोलेंथ आगे पढ़ते हैं, जिस जगह पे टंग नहीं आना है वो स्पेस ही नहीं. गर्दन का साइज बहुत छोटा है, गर्दन का जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा है, तो वो प्लेप्स की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. नॉर्मली भी ये रैम स्लीप में बहुत कम हो जाता है, लेकिन टेंडेंसी टू प्लेप्स रिमेन मेंटेन. जब ये रिस्क फैक्टर आएंगे तो पेशेंट जल्दी क्लैप्स करते हैं. क्लियर? अच्छा जी, कुछ कौन से रिस्क फैक्टर हैं? कुछ होते हैं नॉन स्ट्रक्चरल, कुछ स्ट्रक्चरल, कुछ अदर रिस्क फैक्टर. व्हिच आर द नॉन स्ट्रक्चरल रिस्क फैक्टर? ओबेसिटी इज द मोस्ट कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर. एज अबव 40-60 मेल मोर प्रेडिस्पोज्ड पोजीशन उनमें होती है. अफ्रीकन में ज्यादा होती है. स्मोकर्स में स्नोरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज जो स्मोकर होते हैं जब वो इनहेल करते हैं उनकी अपर एयरवे की जो एपिथेलियम है वो थोड़ी सी ठीक होती है, जिस वजह से स्मोकर शुड क्विट स्मोकिंग. अगर स्नोरिंग मेडिकेशन में बढ़ जाता है, सिडेटिव अल्कोहल ज्यादा कम होता है. फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी की स्नोरिंग है तो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें ये ज्यादा कम होगा. और जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन नाउ हैज बीन सीन इन सच पेशेंट. ठीक है. स्ट्रक्चर स्टार्ट करनी कहीं से, आप नोज से स्टार्ट करना चाहिए, आप क्रैनियोफेशियल, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, इन सब में एनाटॉमिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकते हैं. लेट्स सी, क्रैनियोफेशियल क्या हो सकता है? रिट्रोगेंथिया. नॉर्मली आपके टीथ इस तरह एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट होते हैं और वो टंग को क्लोजली रेनेट कर लेते हैं. ये पीछे चली जाए या ये आगे चली जाए, आपकी जो जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए. क्लियर? ये आइडियल स्पेस है, ये डिस्टेंस आगे ले जाए या पीछे ले जाए, आपकी स्पेस उतनी नहीं रहेगी और टंग विल फॉल बैक. माइक्रोगैंथिया, वेयर इज द स्पेस फॉर टंग. ऐसे पेशेंट का क्यों कहते हैं? स्टैंड्स फॉर ये छोटा फॉर फ्रॉम मैंडिबल. अब इसमें स्पेस कहाँ पे होगी? जी सर, आप पेरिनेबल सिंड्रोम. जी, अब इसमें प्रोडक्शन में सीपीएफ से भी कर सकता हूँ भाई, बट इसमें मुझे सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत है. इसमें मैक्सिला हाइपोप्लास्टिक दिस ग्रोस पे, तो इस स्ट्रक्चरल जो एनोमली है इसमें मुझे सर्जरी की जरूरत है. नोज में डेविएशन, ये वैसे आधे पाकिस्तान को है, वैसे मैं इस पे कभी कमेंट नहीं करता और यूजुअली ये सर्जरी से बेहतर भी नहीं होते. मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं स्टोरी के, वो ईएनटी वाले मेरे पास भेज देते हैं, वो सर्जरी कर चुके होते हैं, फिर आप सब पहले भी कराटे आते थे, अभी भी कराटे आते हैं. तो डेविएशन का कितना रोल है स्लीप एपनिया में, अभी तक मेरे लिहाज से बहुत कम है. यूजुअली कोई ना कोई मेजर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो तो भी स्लीप एपनिया होता है. डीएनएस अलोन वेरी लेस लाइकली कि वो स्लीप एपनिया का है. फिर एडी एडिनाइन हाइपोट्रॉफी, पॉलिप्स अलोन, पॉलिप्स अलोन का पॉलिप के का पैलेट्स ठीक इलॉन्गेटेड पोस्टीरियरली प्लेस्ड जो सॉफ्ट पैलेट एडिनाइट कर सकता है. एडिनाइट कर सकता है बच्चों में अभी तक अनफॉर्चुनेटली बड़ी मुश्किल से सेंसिटाइजेशन की है. सर आप बात कर रहे थे ना कि हम बड़े अनअवेयर हैं, हम लोग नहीं अवेयर, पल्मोनोलॉजिस्ट वाज नॉट अवेयर. यू विल बी सरप्राइज कि अभी जब हमने स्टार्ट किए दो सेंटर प्राइवेटली, दो सेंटर है, एक मेरे पास प्राइवेटली एग्जिस्ट करता है लेवल वन की बात कर रहा हूँ, एक डॉक्टर भी है. गवर्नमेंट में सिर्फ लेवल वन स्लीप स्टडी का इस वक्त फंक्शनल जनरल में रहेंगे. ठीक, और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, अवेयरनेस हमारे पास भी नहीं. अभी बाय द वे कुछ अर्से पहले आगा साहब आए हमारे प्रिंसिपल, तो उनके साथ हमने ये लेजोन किया कि पीस वालों को इन्वॉल्व करें. यू विल बी सरप्राइज कि अमेरिका में स्लीप एपनिया इज वेरी कॉमन इशू. हमने तो स्टडी नहीं की, और इसी इक्विपमेंट में आप 1.5-2 लाख डालें तो वो पीस का अपना प्ले रोल प्ले कर लेते हैं. अमेरिका में कोई कॉमन है, वहां पर वेस्टी बहुत पढ़ना शुरू है, तो वेस्टी से इसका ड्रेस्ट का होगा. तो अभी हम पीस वाले को डिस्कस ही नहीं कर रहे, उसको टैकल ही नहीं कर रहे. अच्छा जी, हम देखते हैं टॉन्सिल्स करते हैं. बिल्कुल लार्ज टॉन्सिल्स रिवर्सिबल कॉज ऑफ स्लीप एपनिया. जब भी आपने पेशेंट को देखने और आपको वो ओबीज नहीं लगता तो लाजमन ईएनटी वालों से अवैल्यूएशन करवा, और अगर इलाज या किसी टॉन्सिल्स हैं उसको पहले रिमूव करवा दें बिफोर गोइंग फॉर स्लीप. ठीक, ये देखिए ओवर हैंगिंग यूवेला, आप देखें ये किसी टॉन्सिल्स, देखें लुक एट हियर सी साइड, ये नियरेस्ट आप देखें, ये रिवीजन देखें, ये कॉल
these are the cause, ye cause is less likely ki itna seriously happening cause karein abhi tak mere experience mein, but these are the very important causes. Kissing tonsils, there is no space for tongue in this patient. Isko kya keh rahe hain ki first suicide hai, ye overhanging uvula, overhanging uvula, right? इसको भी जुगलोप्लास्टी करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये स्पेस ही नहीं है टंग का, आपके लिए टंग ने तो किसी जगह रहना है जो उसके ऑप्टिमम स्पेस है, स्पेस इसका क्या इस कंडीशन का, इसका हाई आर्च पैलेट, हाई आर्च पैलेट, हाई आर्च पैलेट कुछ और ऐसे एग्जैक्टली ये वाले नाम देते हैं, हाई आर्च पैलेट, ये मैक्रोप्लास्टी है, मैक्रोप्लास्टी बिल्कुल लार्ज टंग, और ये जब आप रैम स्लिप में जाएंगे क्या करेंगे फॉल बैक एप, लेकिन ये मैक्रोग्लॉसिया आपके ख्याल में नॉर्मल बॉडी में वो भी टंग इज अलाइन हो रहा है इन एन डिजीज पर्सन, और एनोमली भी होती है ये हार्मोनल डेफिशिएंसी या हार्मोनल प्रोफिशिएंसी की वजह से, नहीं मैंने एक दो केसेस देखे उसमें ना वो जो एक लेडी थी तो वो तो ओवरऑल ही ओबेस थी ना, जी बिल्कुल, मोस्टली ये नहीं है देयर इज ओनली आइसोलेटेड आइसोलेटेड मैक्रोग्लॉसिया वेरी लेस लाइक, वेरी लेस लाइक, उसके साथ कोई ना कोई हार्मोनल आपने जब भी पेशेंट को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर को जरूर देखा करें, आपने हाइपोथायरायडिज्म लाजमी मैं अपने लैब में करता हूँ, मोस्टली में हाइपोथायरायडिज्म निकल आता है, स्ट्रोक तो आपको पता लग जाता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ये चैप्टर बिल्कुल अनडिस्कवर्ड चैप्टर, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने न्यूरोलॉजी के साथ बड़ा ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, मल्टीपल केसेस विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें स्लीप एपनिया पहले पिक कर लिया, जीबी सिंड्रोम में हमने पिक किया, इसी तरह एमएनडी में पिक किया, तो ये केसेस हैं जिसमें ये स्लीप एपनिया कॉमन है, ये सेंट्रल होता है, तो जितना जल्दी पिक करेंगे, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस या मोटर न्यूरॉन डिजीज, रेस्पिरेटरी फेलियर, तो रेस्पिरेटरी फेलियर अर्ली पिक कर लेते हैं तो सर्वाइवल इंप्रूव कर देता है, ये वो चीजें जिसको साथ साथ अपने ट्रीट भी करना है, ये नहीं कि आप सिर्फ इसी पे बाईपास लगा के आप समझे आप ट्रीट कर लें, अगर रिवर्सिबल कास्ट इनमें से ऐसी हाथ होना है कि आपने अर्ली पिक कर दिए एंड इट कैन बी रिवर्स, तो उसकी ट्रीटमेंट जरूर कर लेते हैं, लेकिन इसको कोई भी नहीं देखता, उसकी वजह ये थी कि देखिए एक तो हमारे इक्विपमेंट नहीं है, फिर अब ये इक्विपमेंट जो लेटेस्ट आ गया है इस पेशेंट में क्या होगा, हमने कहा सेंट्रल एटियोलॉजी होगी जितनी भी होगी सेंट्रल, तो कैसे डायग्नोस कर पाएंगे इसको, सोचिए आपके पास पीसीयू टू प्रोब होती है, वो मेरे पास जनरल हॉस्पिटल में फैल होती है, वो पीसीयू टू प्रोब लगी होती है, जब ये पेशेंट डीप स्लीप पे जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड यू डिटेक्ट सच पेशेंट अर्लीस्ट, तो ये मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं है लेकिन हम करते हैं। क्या है आपने हिस्ट्री, टिपिकल पेशेंट होता है, अब आप जब आप इसका एक इमेज बना लेंगे यू विल फाइंड अ टिपिकल पेशेंट, ओबीस पेशेंट होगा, आपसे बात करते करते डॉक्टर उसको नींद आ रही होगी, या आप एक सवाल पूछ लेंगे, आप पराठे तो नहीं लेते तो उसकी बेगम वो ना बोले तो बेगम बोले डॉक्टर पराठे के लेते हैं सारी रात पराठे लेते मैं भी सोने, फिर आप पूछेंगे पराठे जी किस तरह के पराठे, नॉर्मली जो स्नोरिंग हैवी जो स्नोरर होते हैं वो एक रिदम में पराठे लेते हैं, कोई ऐसा पराठा तो नहीं जिसके बाद आपको लगता है कि सांस रुक जाते हैं, बिल्कुल इसका ना करता हूँ मुझे तो लगता है सांस बंद हो गया, फिर आप क्या करते हैं मैं उसको लाती हूँ, ये पेशेंट खुद बता फिर उसने क्या मॉडिफिकेशन की है, वो तकिए नीचे रख लेते, कुछ पेशेंट ने ऐसा किया वो उल्टी सोते प्रोन पोजीशन में सोते और वो बहुत कुछ ठीक किया, वो प्रोन पोजीशन में सोए टांग काम करता है आगे बिल्कुल से भी, और आपको आपको वैसे रोटी देती है तो किसने सोने डॉक्टर मैं इसके सोने प्रोन पोजीशन में परफेक्टली फाइन सोने, लेकिन ये नॉर्मल लाइफ नहीं, एक बड़ा मशहूर क्रिकेटर यू विल बी सरप्राइज उसका उसने स्नोरिंग पैलेस बनाया है, उसका नाम है टॉम क्रूज, टॉम क्रूज बड़ा लव स्नोर है, अब उसकी स्नोरिंग की क्या टेक्नोलॉजी है क्या उसकी टेक्नोलॉजी है या नहीं जितना वो रखे वो नहीं लगता नहीं, लेकिन वो एक लव स्नोर है, कुछ हैबिचुअल स्नोर भी होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हर स्नोर आपने हर स्नोर को नहीं पकड़ लेते स्नोरिंग, लेकिन स्नोरिंग कर रहे हैं बिल्कुल करता है, आप हर कभी नोट कीजिएगा बच्चों को अपने किसी को कहेंगे तो आपको गहरी नींद में सोता देखें जब आप थक के आएंगे तो आप पराठे ले रहे हो चाहे वो थोड़ी देर के लिए ठीक, लेकिन उसमें अपनी आनी है दैट विल बी एसिडमेटिक स्नोरिंग, इफ देयर इज सेसेशन फॉलोड बाय अ लाउड स्नोरिंग दैट सेसेशन मींस
अपनी ऑफिस दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी और वही है तो होता है वो उसको इतना नोटिस ना करे अगर एक घंटे पांच से ज्यादा फिर वो नोटिस करेगा नॉर्मली पर्सन में पांच से कम एक घंटे में हो सकते हैं ये भी याद रखें आपको एक स्कोरिंग सिस्टम चलता है जो सबसे सिंपलेस्ट स्कोरिंग सिस्टम है वो मैं आगे उर्दू में डिस्प्ले भी कर देता हूँ स्टैनफोर्ड है बर्नर्ड है ये ज़रा डिफिकल्ट आप उसका कॉलर साइज देखें बीएमआई कैलकुलेट करें ईएनटी से लास्ट मंथ चेकअप करवाएं फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज पॉलीसोमनोग्राफी लेवल वन स्लीप टू अगर आपका पेशेंट क्लियर कट है तो उसको स्लीप सेंटर में आना चाहिए कौन से पेशेंट है जिनको नहीं जाना चाहिए अभी हम एंड में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ जिसको आप घर पर नहीं करवा फिर मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट है नार्कोलेप्सी होती है नार्कोलेप्सी के लिए हम उसको मल्टीपल नैप ऑफ स्लीप देते हैं वो इस पे इसको इन्वेस्टिगेशन भी होता है फिर मल्टीपल वेकफुलनेस टेस्ट ये दोनों टेस्ट जो है ये नार्कोलेप्सी के लिए होते हैं कार्डियक फंक्शन टेस्ट लास्ट मंथ कम है यूजुअली दे आर आर ये स्नोरिंग का हो रहा था अगर ये रिदम में आ रही है और इसमें एपनिया का नहीं आता तो उसको बीमारी बनी थी ना उसके लिए हम ये डिवाइस नहीं रिकमेंड करेंगे जो डिवाइस है कुछ पोजीशनिंग है जो उसको बता देना एपी है इनमें 50% लोग दे हैव अर्ली मॉर्निंग हेडेक ये वो सारी सिम्टम है जो आप अगर आप सोचें आप नहीं सो रहे होंगे तो सारी आपके लिए आती है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस उसकी वजह से ये कंफ्यूज रहते हैं फटीग रहती है टायर्ड रहते हैं लैक ऑफ एनर्जी रहते हैं इन अमेरिका इट हैज बीन सीन कि 15-20% क्रैशेस इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाज ड्यू टू दिस स्लीपीनेस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एसीसी क्या होगा स्लीप एपनिया पेशेंट है वो अपनी कैलकुलेशन नहीं कर पाता एक वकील है वो केस प्रिपेयर नहीं कर पाता एक सर्जन है वो आई हैव डन स्लीप स्टडी फॉर सर्जन वो सर्जन सर्जरी की कैथेटर से ज्यादा स्लीप स्टडी की कैथेटर से ज्यादा नहीं खड़ा होता मतलब उसको नींद आना शुरू होता है ठीक है बड़ा मशहूर सर्जन है नाम नहीं बता सकता अब वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो जाता है डिप्रेशन जब आपसे ये एक्टिविटीज नहीं होंगी यू आर यंग डेफिनेटली आप लैक ऑफ एनर्जी है तो आप अपने आप डिप्रेस फील एंटी डिप्रेसेंट लेते रहते हैं एंटी डिप्रेसेंट लेने के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट लेते रहे हैं आप उनको स्लीप एपनिया ठीक करेंगे डिप्रेशन ठीक हो जाए मुंह खोल के सोते हैं इस वजह से ड्राई माउथ होता है गर्ड बहुत कॉमन है माउथ ब्रीदर होते हैं हवा एरोफेजिया होता है हवा अंदर जाती है रिफ्लक्स होता है गर्ड ब्रेथ इज वेरी वेरी कॉमन सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड हाइपरटेंशन इन पेशेंट में बहुत कॉमन Snoring, most important feature. 6% of OSA patient don't snore. And remember, ये जो सर आपने सवाल पूछा, habitual snorer कितने 44% men are habitual snorer, 28% women are habitual snorer. They are witness apnea. मतलब क्या है इसका? That the other person has witnessed this apnea. Gasping, choking feeling. फिर बेल्ट होती है एंटी स्नोरिंग की जो कि आपके माउथ को पकड़ के रखती है दैट कैन हेल्प लेकिन ये सारी जो है ना 5 साल मुझे होगी इनमें से कोई भी हेल्पफुल इसकी टिप पे अभी तक हम 300 पेशेंट में सीवियर पकड़ रहे हैं अभी तक मैंने कोई माइल्ड नहीं पकड़ा तो वो सीवियर के लिए जिसको माइल्ड होगा वो भी उसको लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन का वीज है उसे वेट रिड्यूस करें ठीक है हाँ जी ईएनटी जरूर ईएनटी को नोट करें ईएनटी को जरूर चेक करें समटाइम कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वो बेहतर हो जाता है
नॉक्टुरिया, ये रात को बार बार वॉशरूम जाते हैं एंड यू नो हमारी इम्पोर्टेंट स्लीप स्टडी का एक टारगेट होता है, अगर पेशेंट की अच्छी स्लीप स्टडी है उसको वो नॉक्टुरिया नहीं होगा उसी वक्त पता लगता है, वो उससे पहले रात पूछे डॉक्टर साहब उसको 6 बजे 6 दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ता है, आपने स्लीप स्टडी अच्छी की है उसका नॉक्टुरिया वहीं पर खत्म हो गया, वो 3 घंटे परफेक्टली फंक्शन है आपका स्कोरिंग सिस्टम पेशेंट आपके पास आ गया टीवी को पेशेंट था उसका कॉलर साइज भी ज्यादा था और आपने इसको देखा उसमें अपने भी था, आप ये पेशेंट के अटेंडेंस से आपने फिल करवाना सर, कॉलर साइज तो थिकनेस बताता है, आप शॉर्ट नेक की बात करते हैं तो कॉलर साइज थिकनेस ऑफ नेक बताता है, थोड़ा मोटा होगा शॉर्ट और लॉन्ग तो नहीं बताता, शॉर्ट मैं इसमें से बताता हूं जो आपका सिंड्रोम है ना डाउन सिंड्रोम वगैरह शॉर्ट वेब उसमें ये कॉमन लेकिन याद रखिए नेक कॉलर साइज ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर वो किसी का 17 से ऊपर है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन शॉर्ट है, क्योंकि जितना उसका डायमीटर ज्यादा होगा उतनी उसकी कोलैप्सिबिलिटी पावर बढ़ जाएगी। अच्छा जी, आपने पेशेंट मैंने आपको डोजिंग बताई है कि बैठी बैठी सेंटीमीटर इंचेस सिटिंग एंड रीडिंग टीवी पे आप उसे पूछेंगे आप कितनी दफा डोज ऑफ करते हैं, आप टीवी देखते हुए या आपको पब्लिक प्लेस पे इनएक्टिव बिठा दिया जाए कितनी दफा डोज ऑफ करते हैं, As a passenger in the car for 1 hour without break, आप कितनी दफा डोज ऑफ करते हैं? ये मैं usually omit कर देता हूँ, क्योंकि हिसाब करते हैं इस वक्त lying down to rest at afternoon when circumstances permit, तो ये हम सारे डोज ऑफ करते हैं, तो मैं usually ये नहीं पूछता। Sitting and talking to somebody, and you know, in most of the patient यही level होता है, वो हमसे बातें करते करते ही सोड़े होते हैं। Sitting quietly after lunch, ये भी मैं omit करता हूँ, in the car while stop for a few minutes in traffic, मेरे पास patient आए आते हैं दोबारा से भी ओमान कतर से, वो ये 11-wheeler ड्राइवर होते हैं, उनको इस वजह से बचवाया जाता है कि ये तो दो दफ़ा इसका एक्सीडेंट हो गया, ये ड्राइव करते करते सो गए, ठीक, वेट उनका 130 kg, नेक कॉलर साइज 19 इंच, टिपिकल उस नैरी होते हैं स्लीपर, आपने ये फिल किया, अगर ये 11 से ज़्यादा है विद अ हिस्ट्री दैट सजेस्ट स्लीप एपनिया तो आपका पेशेंट स्लीप एपनिया का हो सकता है, अगर ये 14 से ज़्यादा है तो ये कैन कन्फर्म सिंपल सिंपल ये वैसे बड़ा मुश्किल है हमारी पॉपुलेशन के लिए, ये सारे जो सीवियर है माइल्ड मॉडरेट बहुत कम होगा, लेकिन वो पेशेंट पता लग जाते हैं, और आपने पेशेंट से नहीं पूछना एक बार ज्यादा पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को तो नींद ही नहीं आती है, मेरे को कहते नींद नहीं आती, मैं सारा दिन सोना रहता उसके अटेंडेंट ये सारे आपको बता रहे होते हैं, इसको टीवी लगा के देख देते हैं, टीवी लगाते लगाते सोचे रिमोट गिर जाते हैं, कुछ ड्राइवर होते हैं जो कहते हैं मैं घंटा चलाता हूँ मुझे बहुत नींद आती है, मैं गाड़ी साइड पे खड़ी करके वहीं पे सो जाता हूँ आधा घंटा, वो भी वेरी सीवियर होगा, कुछ होते हैं जो हल्के से डोजा होते हैं वो आपको क्राइटेरिया मिल जाते हैं, मैंने बताया कि आपको यूनिटी फाइन नहीं करना पड़ता, हमारी पॉपुलेशन मैं देख रहा हूँ जो टिपिकल स्नैरियो को फुल फ्लैश ज्वेल पेस्ट इसको वोमिट करके बड़ा एक्सप्लोर नहीं है, ये उसका उर्दू में आपने कहा कि ईएनटी सर्जरी अगर कॉज भी है तो ईएनटी सर्जरी के बावजूद भी इम्प्रूवमेंट देखिए ईएनटी वाले क्या करते हैं, मैंने मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहा है आपसे, मतलब किसी भी प्रोसेस को बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर देखे, डीएनएस के लोग सर्जरी करवाएं, डीएनएस आई नेवर सॉ डीएनएस कॉजिंग स्लीप एपनिया, अच्छा किसी काउंसिल है वो आपने सर्जरी कर दी है तो फिर होगी, मैंने बताया किसी काउंसिल एक बाहर मैंने जियोलॉजी देखी
जो इतना स्वीर का स्लीप है अपने पास करेगा डीएनएस की या वो ओवर एक्टिव यूवला जो है यूवला भी कर सकते आपके पास पेशेंट आ गया तो आपने उसका बी एम आई कैलकुलेट कर लिया, आपने उसका नेक कॉलर साइज देखा, वेस्ट देखी, ई एन टी और रिस्क वैल्यूएशन किया, अगर BMI 25 से ज्यादा है तो सर्विस फैक्टर फॉर स्लीप एपनिया, ओवरऑल नेक कॉलर साइज अगर 16.5 इंच से ज्यादा है, अगर आप मेल में देखेंगे सिंपल तो 17, फीमेल में 16 इंच से ज्यादा इज अ रिस्क फैक्टर, ये वेस्ट जो सर्कमफेरेंस है ये भी देखते हैं 14 इंच इन मेन एंड 35 इन वुमेन इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर BMI 25 90% ये तो अर्ली वाली स्टेज हो गई, सीवियर में 40 से ऊपर जिनका BMI 30 से ज्यादा होता है उनमें 20% प्रोबेबिलिटी है कि उनका 15 से ज्यादा एज चाहिए, 15 से ज्यादा का मतलब ये है कि सीवियर मॉडरेट, जिनका 40 हो गया उनमें 33% प्रोबेबिलिटी है कि मॉडरेट स्लीप एपनिया, एंड इंटरेस्टिंगली 10% इंक्रीज इन बॉडी वेट इंक्रीज ओएसए मोर देन 30% in sense of severity, this is very very important. यानी एक ही चीज जो मैं समझता हूँ, जब ये patient आपके पास आए अगर आप उसको weight reduce करवाएं mild case में तो ये sleep apnea बेहतर होगा। आपने history ली, फिर आप उससे question पूछा, फिर level of sleep study है। एक जमाने में I still remember professor कहते थे मैं बड़ी पुरानी sleep study कर रहा हूँ, तो हम बड़े impressed हो रही यार बड़ी पुरानी sleep study हो रही है, ये advice होती थी apnea नहीं, तो जब थोड़े बड़े हुए तो पता लगा इसमें तो sleep study होती नहीं है, स्लीप स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे स्लीप की स्टेजेस पता लगे, ये तो स्टेजेस नहीं बताता, ये तो बताता है सांस कितनी दफ़ा बंद हो, तो इट्स अ गुड स्क्रीनिंग टूल दैट कैन टेल यू कि एपनियास कितने हैं, बट दिस इज नॉट अ लेवल वन स्लीप टूल, इसको स्लीप स्टडी नहीं कहते, ये स्क्रीनिंग टूल है। आप लोगों में अगर कोई इंटरेस्टेड है, मैं एक बात बताऊँ वैसे आप लोग क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये सेटअप टोटल लगाना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इनकी कुछ डिवाइसेज ऐसी ज़रूर हैं जो रिलेटिवली लो कॉस्ट पे और इतना पेशेंट है कि अगर आप वो ले लें और एक छोटा सा रूम एस्टेब्लिश कर लें तो यू कैन कितनी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है लोएस्ट कॉस्ट वाली जो डिवाइस कौन सी है, इवन 5.5 लाख और जो हमने लगाई हुई है जो मेरे पास है दैट कॉस्ट अराउंड 48 लाख रुपीस वो लेवल में, लेकिन ये सबके लिए नहीं है शायद साहब, ये याद रखने एक चीज है की फ्यूचर, ये मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एलीट क्लास है जो आप समझते हैं जो आपके शुरफा हैं आर्मी जनरल भी हो सकते हैं, हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर भी हो सकते हैं, उनमें कॉमन है, चैम्बर्स में चले जाएं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग तो बहुत एग्जिस्ट करते हैं, वो क्लास में चले जाएं बहुत एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो अगर वो चला ले लगा देता है तो चलाना मुश्किल नहीं, स्क्रीनिंग आप लोगों के लिए करना बहुत आसान है, ठीक है। ये 4 लेवल ऑफ स्लीप स्टडी, जो ही हम लोएस्ट लेवल पे जाते हैं इसका मतलब है ये स्क्रीनिंग टूल है, जो ही हम हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं दैट टेल्स अस कि हम इसमें थेरेपी भी रोल का रोल प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे में मैं थेरेपी नहीं करूंगा, मैं अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर सकता हूं कि जिसको स्लीप एपनिया है, इसमें इन दोनों में मैं उसका इलाज भी कर सकता हूं। लेवल 2 और लेवल 1 में फर्क ये है कि लेवल 2 में टेक्नीशियन नहीं बैठा हुआ, लेवल 1 में टेक्नीशियन बैठा हुआ, बाय द वे बाहर स्लीप टेक्नीशियन करता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो कोर्सेज नहीं होते, मेरे साथ भी जो लड़के हैं वो मस्ता 5 साल हो गए उनको ट्रेन है, लेकिन प्रॉपरली क्वालिफाइड ट्रेन स्लीप स्पेशलिस्ट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमें डॉक्टर्स को ही सिखाना पड़ता है। लेवल 1 में क्या क्या होता है, इसमें आपका हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, सो ये याद करना मुश्किल नहीं है, ऊपर से अगर शुरू करें ईजी ऑकुलस फ्लोमीटर चिन स्नोरिंग ये आपके इलेक्ट्रोड लगे, ठीक है। फिर आपकी चेस्ट वॉल मूवमेंट, मैंने आपको कहा था कि जब पेशेंट का सांस बंद होगा तो चेस्ट और अब्डोमेन एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट को जज करने के लिए मुझे चेस्ट पे एक बेल्ट लगानी, एक अब्डोमेन पे लगानी है, नीचे लेग पे लगानी है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कभी आपने नाम सुना होगा। फिर आपने ऑक्सीजन एंड पल्स, ये पूरा पैकेज है, अगर ये आप कर रहे हैं तो ये लेवल 1 स्लीप है। ईईजी मुझे क्यों चाहिए, मुझे रैम स्लीप का पता लगाना है, आई मूवमेंट चाहिए रैम्स
स्लिप रैपिड आई मूवमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप ईईजी नहीं कर रहे तो ये लेवल वन स्लिप स्टडी नहीं है, आप ये नहीं बता सकते कि पेशेंट कौन सी स्टेज में गया हुआ है, क्लियर हो गया। तो वो जो डिवाइस बता रहे थे उसमें ये रोल नहीं, जो मैंने बताया लेवल टू में किया है, ये सारे पैरामीटर हैं, लेकिन ये अनअटेंडेड है, पेशेंट को अटेंडेंट लगा के आगे स्लिप टेक्नीशियन और उसको मॉनिटर नहीं कर रहे, ठीक। हमारे पास जनरल में लेवल वन स्लिप स्टडी है, प्राइवेट में भी मेरी लेवल वन स्लिप स्टडी, बाकी जिस सेटअप पर भी आप जाते हैं जो आपको बताने आते हैं या कर रहे हैं, देयर इज नो लेवल वन स्लिप स्टडी एग्जिस्टिंग इन लाहौर, ठीक। वो लेवल थ्री है, लेवल थ्री फोर में क्या है, वो मॉनिटर करती है या ऑक्सीजन लेवल या स्लोरिंग या एयरफ्लो, ठीक है। तो वो स्क्रीनिंग टूल हो सकता है थेरेपेटिक। अब इसमें हम थोड़ा सा सोचते हैं, ये हमारी ईईजी थी, चलिए इसको हम ज्यादा नहीं सोचते, मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है। ये आपका फ्लो मीटर है, देख रहे हैं फ्लो आपका आ रहा है, एवरीबॉडी कैन अप्रिशिएट। यहाँ पे क्या हुआ, फ्लो रुक गया, क्लियर हो गया, गुड। अच्छा ये अबडोमिन यहाँ पे देखिए कि जहाँ पे आपकी ऊपर जा रही है वेव, नीचे वाली भी ऊपर जा रही है, ऐसे ही ये दोनों वेव्स वैसे ही अबडोमिन सेम है उनकी डायरेक्शन, एग्री। अप्रिशिएट वो पॉइंट, ये भी ऊपर है, ये नीचे वाला भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, नीचे वाला भी ऊपर, यहाँ पे क्या होना शुरू होगा, एफपी आया और साथ ही बॉडी ने एफर्ट शुरू कर दी, ये कौन सा एफपी है, कौन से वाला एफपी है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दिस इज ऑब्जेक्टिव। सेंटर में क्या होगा, ये भी फ्लैट हो जाएगा, दोनों फ्लैट, गुड। ये पढ़ाना फिजिक्स में मुश्किल है, ठीक है। सो देखिए सिंपल सी बात है, आपने लीड लगाई अब्डोमेन और ये नेजल फ्लो फ्लैट हो गया पेशेंट और उसकी मूवमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर सेंट्रल होगा तो कहाँ मूव करेगा, क्या नो मूव, तो दिस इज। अब अगले पेशेंट को अगर जब आप आगे देख लेते हैं, सो ये दिस इज द होल एपॉप जो हम देखते हैं अपने स्लीप सेंटर में, जिसपे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, अब पेशेंट में कितने एपनिया हाइपोपनिया होना चाहिए, एपनिया मीन है टोटल सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर मोर देन 10 सेकेंड, दिस इज एपनिया। हाइपोपनिया भी मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, हाइपोपनिया क्या है, सेसेशन ऑफ एयर फ्लो मोर देन 50% विद 3% ऑक्सीजन डिसेचुरेशन, ठीक हो। कुछ पेशेंट में सिर्फ हाइपोपनिया होगा, एपनिया नहीं होता, ये दोनों हमारी हो रहा है, हम इन दोनों को पर आवर इनको ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 60 पे, तो हमारा फॉर्मूला आता है एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, विच मैटर फॉर अस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लगाया आपने, ईजी लगाया, इलेक्ट्रोड लगाया, ऑक्सीमीटर, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन की मूवमेंट के लिए आपने एफर्ट देखा, एयर फ्लो देखा, स्नोरिंग सेंसर लगाया, apnea cessation of air flow at nose and mouth for 10 seconds and longer, central absence of inspiratory effort, obstructive means already discussed, mixed means ke patient ka end jo hoga wo obstructive hoga, hypopnea kya hai ye definition change ho gayi, ye 50 and 3 hai, old definition 30 and 4 thi, theek ho। Fir humne calculate kiya ahi calculate karne ke baad हम देखते हैं कि अगर ए एच आई 5-15 है तो ये माइल्ड ओएसआई है, बहुत रेयर में हम इसको एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, ठीक है, ये पर आवर है। अगर 15-30 है तो मॉडरेट है, अगर 30 से ज्यादा है तो सीवियर ओएसआई, क्लियर। अब से कुछ अर्सा पहले आप 4 ईयर बैक चले जाए तो डॉक्टर्स ने और हम लोग भी किया शुरू किया था कि एक रात सारी डायग्नोस्टिक में गुजारते थे, अगली रात थेरेपोटिक्स का इलाज करते थे, बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो अमेरिकन एसोसिएशन ने क्राइटेरिया दे दिया हमें कि अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट जो कि विच इज टिपिकल फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मिल जाता है, आपने उसका एफर्ट स्लीप स्केल निकाला तो वो 14 था, पेशेंट टिपिकल है, तो 2 घंटे में अगर पेशेंट को 20-40 के दरमियान ए एच आई आ जाए या पेशेंट का किसी वक्त भी ऑक्सीजन लेवल एक लोएस्ट लेवल से नीचे आ जाए, शिफ्ट दैट पेशेंट into therapeutic mode, don't waste your time, what is therapy मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक हो गया, clear हो गया, apnea hypopnea, चलो।
अदर टेस्ट हम करवाते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री, एको, यूरिक एसिड इनके साथ करते हैं। अब मैंने इसमें सीआरपी ऐड कर दिया, ये पेशेंट में हाइपरयूरेसीमिया होता है। इंटरेस्टिंगली हाइपरयूरेसीमिया इंप्रूव आफ्टर द मैनेजमेंट, ठीक है। इनमें पल्मी हाइपरटेंशन होती है एंड दैट पल्मी हाइपरटेंशन रिवर्स आफ्टर। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल थेरेपी, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर देखो, पेशेंट स्मोकर है, पेशेंट सेडेटिव दे रहा है, पेशेंट अल्कोहलिक दे रहा है, पेशेंट का लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा है जो उसको बेस्टिंग प्रूव कर रहा है। अगर ऐसे फैक्टर्स हैं उसको मैं कोशिश करूँगा कि अवॉइड करें, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो पेशेंट में हेल्पफुल होती हैं जिनमें माइल्ड से मॉडरेट स्लीपिंग, जिनमें सवीर होता है उसमें ये रोल वो कर ही नहीं सकता। वैसे सवीर वाला क्यों नहीं कर पाएगा अगर हम सोचें, माइल्ड मॉडरेट कर लें। लेकिन ये पेशेंट एक विशेष साइकिल में फंस गया है, रात को गहरी नींद सो नहीं पाता और दिन टाइम पे ये सोता रहता है। अगर आप इसको रात को गहरी नींद दे देंगे तो दिन टाइम ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तभी ये फिजिकल एक्टिविटी कर सकेंगे। आप इसको चैलेंज करके देख दें कि नहीं जी आप अपना ब्रेक करिए, कर ही नहीं सकेगा क्योंकि इसकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज है, इसकी स्लीप बेहतर करें इसकी एक्टिविटी बेहतर होती है, ठीक है। सो जो सीवियर स्लीप एपनिया है दैट इंप्रूव्स जो इस डिवाइस के साथ, जो मॉडरेट उसमें आप कह देंगे अपनी एक्सरसाइज करें। हाँ जी, हमने पहले बताया 1% रिडक्शन इन वेट रिड्यूसेस AHI टू 3%, 10% रिडक्शन लीड टू 26% रिडक्शन इन AHI एंड दिस आर मोर इफेक्टिव। अगर BMI जितना BMI ज्यादा होगा उतना रिडक्शन का बेनिफिट होगा, जितना BMI कम होगा उसको उतना एडिट बेनिफिट होगा। स्मोकिंग ऑलरेडी डिस्कस, इट एलिसिट म्यूकोसल एडिमा, इंक्रीज अपर एयरवे रेजिस्टेंस, इंक्रीज एपनिया ड्यूरेशन, इंक्रीज स्नोरिंग इंटेंसिटी। अल्कोहल सेडेटिव, पुराने जमाने में क्या करते थे पेशेंट के साथ, उसको बैठा देते थे। एक ऐसे पेशेंट हमें मिले जिसने दो सर्वेंट रखे हुए थे जो उसको बैठा के रखते थे, वो बैठा बैठा सोता था। फिर ये काम ये किया, उन्होंने कहा कि ये सीधा लेटते हैं तो इनमें ज्यादा आते हैं अपने, इनकी शर्ट के साथ वो जो बॉल नहीं होती वो बॉल टाई कर देते हैं क्योंकि जूही सीधा होंगे तो पेन होगी और पेशेंट खत्म होगी। बट ये किसी हद तक हेल्पफुल रहे, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। एंटी डिप्रेशन स्टिमुलेंट लेस लाइकली की हेल्प। अब न्यू ड्रग एक आई है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट मोडाफिनिल के नाम से, दैट मे हेल्प बट अभी तक उसकी कोई रिसर्च हुई नहीं कि कितनी प्रूव कर। द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अप टिल नाउ इज सीपैप। आपको अभी मैं बताता हूँ जो आप प्रॉब्लम समझे कहाँ पे है, इसको कैसे आप ऑब्स्ट्रक्शन कैसे ओपन कर रहे हैं। ये हमारी ऐसे पेशेंट में जो स्लीप इंड्यूसिंग है वो डीप स्लीप ले जाएगी कहा पेशेंट है, उसका एक है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी लेता है, वो मसल भी आपका उसकी है। तो ये नहीं कोई सर्जरी हेल्पफुल नहीं है, सर्जरी हम रिकमेंड करते नहीं, हम करते हैं सीपैप। सीपैप इज कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दीज आर द डिवाइसेस, ठीक है। कुछ लेजर डायलेटर भी होते हैं, नेजल वॉल्व आ चुकी है, ये कहते हैं कि वॉल्व वन भी वॉल्व है, इंस्पिरेटरी प्रेशर को बढ़ाते हैं। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने आपको बताया कि जितने सुबह पेशेंट उनमें ये चीजें कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। डिफिकल्ट होगा,
पीछे वाले ऑब्स्ट्रक्शन को तो नहीं ठीक करेंगे। ये ही मेरा थोड़ा नजर वाली। सो ये दिस इज द मैनुअल एनहांसमेंट डिवाइस। ये क्या करती है, आपको मैंने बताया वो मैक्रो ग्रंथि है या माइक्रो ग्रंथि है, आपके स्पेस आगे पीछे है, उनको इन लाइन ले है। लेकिन कैन द पेशेंट स्लीप विद द सारी जिंदगी लगाते रहना है, वो लगा के सोना है। मुझे नहीं पता वो जो ऑर्थोडॉक्स वाले उसका बेटर बता रहे उनको मैंने इन्वॉल्व किया, वो अभी तक इसमें मुझे कोई हाथ पता नहीं करा रहे। वो इन पेशेंट के लिए डॉक्टर है ही नहीं, वो तो और काम के लिए वो करती ही। देखिए फंक्शन किया, जब हमने इसको लगा दिया मैनुअल एनहांसमेंट डिवाइस को तो टंग ने बैक फॉल नहीं की। सीपैप 1985 में स्टार्ट हुआ एंड इट इज अप टिल नाउ इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप एपनिया। दिस इज द डिवाइस। ये इसको आप समझाइए, मैकेनिज्म समझ लिया आपका पास सारा लेक्चर वाइंड अप हो जाए। देखिए जी, यहाँ से हवा आगे नहीं जाती, क्लियर। मैं सर्जरी करके ये वाले कंपोनेंट को रिमूव कर सकता हूँ, ये थिकनेस के मैं कुछ नहीं कर सकता, ये थिकनेस यही रहेगी, वो कैपेबिलिटी वही रहेगी। सी पैप एक ब्लोर है, कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर है, ब्लोर है, बाहर से हवा ले रहा है और प्रेशर से अगर आप समझिए ये बलून है, वो इस बलून की नेक को ओपन कर देगा। बस सीपीएफ का फंक्शन ये है कि हम बैठ के वो प्रेशर नोट कर रहे होते हैं, जब ये पेशेंट का ये एरिया ओपन हो जाएगा, इसको कहते हैं निमोनोटिक स्प्लिट थ्रू एयर ओपन करना। जब ही जो ही ये ओपन हो जाएगा, हमें पैरामीटर हमने पल्स ऑक्स बताया होगा, ऑक्सीजन लेवल ऊपर चली गई, एपनिया आ रही थी ना, एपनिया खत्म हो जाएगी एंड रैम स्लीप हमें पता लगा। That is our अब देख लें, सर्जरी नहीं की, कुछ नहीं किया, आपको इंप्रेशन नहीं। कब तक क्योंकि सीपैप तो आपको ये उस बंदे से पूछिए जो पिछले 10 साल सोया नहीं है, जब हम उनको मशीन लगा देंगे डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर मेरी दुनिया बदल दी। आप उस मरीज से पूछिए, वो कहने डॉक्टर मेरी दुनिया बदल दी। कॉस्ट जो मैनुअल है ना, ये 55 से स्टार्ट होती है मैनुअल। इसके आगे भाई वैरायटी ऑटोमेटिक भी है, आगे बाइक पे 55,000 डिपेंड करता है, अब तो चाइना ने भी दे दी है। मैनुअल से क्या मुराद है सर, इसमें एक ही प्रेशर रहती है। अच्छा, सात और जो ऑटोमेटिक है ना उसमें प्रेशर रहती है। अब ऑटोमेटिक गाड़ी महंगी है ना, हमने लाइक यस्टरडे हमने सब पिछली स्पीड थोड़ी की, पेशेंट को 10 का प्रेशर चाहिए था, मैनुअल था उसको मैनुअल मशीन लेके दे दी। लेकिन अगर एक पेशेंट है जो राइट साइड पे सोता है, उसको 10 प्रेशर है, जो ही वो स्ट्रेट लेटता है उसको 14 प्रेशर चाहिए होता है, तो फिर वो मैनुअल पे सेट ही होगा, उसको हम ऑटोमेटिक देंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंडली कौन सी है, वो ऑटोमेटिक है, वो प्रेशर वेरी ऑटोमेटिक कितने की है, ऑटोमेटिक कितनी 90,000, ठीक है। ये देखिए, ये आपने क्या किया, थ्रू एयर इसको सिर्फ ओपन कर दिया, बाकी आप कुछ नहीं कर रहे, आप ऑक्सीजन भी नहीं दे रहे, आप वेंटिलेशन में भी नहीं आ रहे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब आपका अपर एयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाईपैप क्या होता है, बाईपैप होता है बाई लेवल प्रेशर, जिसमें एक प्रेशर लोअर होगा, एक प्रेशर हाई होगा, ठीक हो गया। आप खुद सोचें जरा, अगर ये बेलून है, एक प्रेशर मैं ज्यादा पहले दे रहा हूँ और दूसरा कम दे रहा हूँ, तो बेलून क्या करेगा, पहले स्पैंड होगा और लेकिन मैं जीरो नहीं कर रहा, मैंने कुछ रखा हुआ, यानी एक मैंने सेट कर लिया 8, दूसरा मैंने सेट कर लिया 18, तो ग्रैप से मैं करने दे रहा, मैंने 8 मिनट टाइम रखा। ये वो मशीन है जो वेंटिलेशन में है। यस यस, कांसेप्ट मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया दोनों पता लगे, यानी बाईपैप जो मशीनें लगा रहे हैं आप, वो वेंटिलेशन में है, इट डस नॉट अलाउ ऑल द एल्वियोलाई टू कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। बट वो ये भी कर रहा है, वो और भी काम कर रहा है, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा है जो लंग्स को एक्सपेंड कर रहा है, फिर उसको कम करके 18 पे वो एक्सपेंड कर रहा है, फिर वो 8 कर देता है,
एक्सपेंड एंड आउट तो क्या कर रहा है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन तो वो वेंटिलेशन के लिए हम करते हैं तो ये पेशेंट जो ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन है उनमें ये होते हैं फिर हमने सेंट्रल पढ़ा सेंट्रल में तो एफर्ट ही नहीं है ना तो इन मशीन में एक मोड है उसको कहते हैं एस टी मोड या टाइम मोड हम कहते हैं ब्रेथ रेट 16 सेट कर दो पेशेंट ब्रेथ ले या ना ले वो हार 16 का मतलब क्या है 60 को डिवाइड कर लिया कहते 10 पे सेट कर लिया 10 सेट किया तो 6 सेकंड बाद एक ब्रेथ दे दी तो बाईपैप ने ये मोड होता है सेंटर से करते हैं फिर हम बाईपैप एस टी मोड देते हैं कंसेप्ट क्लियर है अच्छा इसमें निमोथोरक्स का कोई सॉफ्ट कनेक्ट को रिमूव कर लें मे हेल्प ये देखें नहीं इसकी सर्जरी की है टोटल रिमूव कर लिया बट आई रिसेंटली आई डी स्लीप स्टडी इन सच पेशेंट उसका AHI वाज 90 पर आवर 90 3 लाख की भाई जिसके सामने फिर ये जो वेस्टी में जो सर्जरी की जाती है आई लाइक दिस सर्जरी नाउ मैंने करवाई है मेरे पास पेशेंट आई इज 190 kg 180 kg शरीर गैस्ट्रेक्टमी आई फाउंड द बेस्ट सर्जरी अप टिल नाउ बेलोनिंग भी की लोगों ने लेकिन स्लीप गैस्ट्रेक्टमी का रिजल्ट सबसे ज़्यादा है तो मेरे पेशेंट जिनका BMI 40 से ज़्यादा होता है सर मैंने क्राइटेरिया रखा हुआ है 40 से ज़्यादा BMI होगा उसको मैं सर्जिकल ओपिनियन लाजमा देता हूँ आप इसको सर्जिकल एडवाइस दें न्यू डिवाइसेस क्या है दिस इज अ डिवाइस ये लॉन्च हो चुकी है इसमें ये आपका डायफ्राम के साथ अटैच है जो ही डायफ्राम की मूवमेंट कम या इरेगुलर होती है स्टिमुलस जाता है पेसमेकर आपके को स्टिमुलेट करता है और जब भी नर्व स्टिमुलेट होगी मसल्स क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा एरिया होगा सो इट हैज बीन लॉन्च इन 2015 नॉट इन पार्ट अगर आप स्लीप ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन या स्लीप एपनिया को ट्रीट ना करें तो देयर पेशेंट आर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंशन इन 50-70% एयर एरिथमिया से डाई कर जाते हैं हार्ट फेलियर होता है इंसुलिन होती है न्यूरोकॉग्निटिव इंपेयरमेंट आती है सेक्सुअल डिसफंक्शन आती है रिमेंबर I have seen patient with triple therapy of oral hypoglycemia shifted to monotherapy. Resistant hypertension shifted to monotherapy. So, जो ही आप patient की treatment start करते हैं, patient improve करते हैं. OSA is an ignored and underdiagnosed condition. This is not a fancy diagnosis. Snoring is never normal. OSA is a manageable, nothing malicious. Then जो life ही याद रखें आपने कभी मैं आपको आएंगे चक्कर लगाऊँ पेशेंट से मिलाऊँ ना वो पेशेंट लिटरली आपके मरीज हो जाता वो गहरी दिन में गया ना 5 मिनट के लिए उसका वो दवाएं देता डॉक्टर साहब तुम्हें की कितने इन मशीन किन मशीन लाई सी वो खुद का खुद ही पहले हमें कन्विंस करना होता था अब हमें कन्विंस करने की जरूरत नहीं उस पर ढूंढ रहा होता डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल सही सुन इनकी डे टाइम सिम्टम्स होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग हेडेक डे टाइम स्लीपिनेस पोर कंसंट्रेशन इरिटेबिलिटी नाइट टाइम सिम्टम्स उनकी यूजली एग्जिस्ट करते हैं आई थिंक वी डोंट वांट कि हमारे साथ ऐसा हो नाइदर दिस इज अ गुड वे इट्स रिलेटिवली बेटर ठीक है सो ये होता है आपके पेशेंट कैसे सोता है ऐसे सो जाता है साउंडलेस मशीन से जब ये साइड बदलेगा तो स्क्रीन खुलेगी नो ये नॉन कंप्रेसिव बोलेगा उसके हालांकि उसकी हैंड के नीचे ये कंप्रेसिव ये डिवाइस ही है देखिए जी इतनी सी डिवाइस है कास्ट राउंड 46 लेवल की साहब ये पूरी लैब है इसके साथ इसका ये सीपीयू ये हेडसेट है जिसके साथ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं क्या नाम है ये एनालिसिस डिवाइस है डिफरेंट ऑफिस की होती है कुछ नहीं ये आपका ये नाइट व्यू कैमरा और ये आपका मॉनिटरिंग रूम है ये सब एक्टिविटीज बाहर मॉनिटर की उसके बाद यहीं से जब हमने उसको सीपीएम लगाना ना एक दफा मास्क लगा दिया तो यहीं से उसका प्रेशर हमने मेंटेन कर दिस इज दिस वाज द मोस्ट ओबीज पेशेंट
I come across. What could be the weight of this patient? 1 year back, जब इसने अपना वेट किया तो 240 थी. 1 year back, काउच मेरा बैंड हो गया था और मैं दुआ कर रहा था बैंड ना टूटे, लेकिन बैंड ने मेरे को ग्रास्प कर लिया. But unfortunately, that patient, इसकी स्लीप सर्जरी नहीं हो सकती. That patient died. इस पेशेंट की कॉल आई थी, जीव वालों ने कहा था कि आप काइंडली कोई करवा सकता है तो कर ले, स्लीप स्टडी वगैरह देखना हेल्प कर ले. तो मैंने कहा था मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा. इसकी बैंक आ गया, एक तो ये बहुत लेट हमारे पास पहुंचा, दूसरा इसके लिए डिवाइस पे रेंज कर दी थी, फिर ये करवाने के बाद भी ना सियानों के अंदर चढ़ गया. बस वो और ये डेढ़ महीने और ये इसका इतना इंटरेस्टिंग इसका रिस्पॉन्स आया था जब हमने टेस्ट किया. बट दिस पेशेंट डोंट हैव टाइम और ये कहता है कि हमारे गांव में सर हर 6 महीने बाद एक डेथ होती है. ये सारा बेस्ट ही है. ये उम्र कौन सा लगा था इसका? ये कौन बीस लोग थे सारे? आपने बहुत वेट कम किया, वो किसी पेशेंट का आपने ट्राई किया? सर मैंने 5 साल हो गए ना, आई स्टार्ट फ्रॉम ओलिस्टैट सुबुट्रम इंडियन, दोनों ड्रग यूज करवा के देखे. अनफॉर्चुनेटली हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए. रोटी हर हफ्ते काम करते हैं. बिल्कुल सही. बिल्कुल.